नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आ गए हम लोग एक और लेक्चर के साथ अप्लाइड मैकेनिक्स के, और अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर चैप्टर सेकंड हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड का लेक्चर नंबर 6 है, और मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों, ये लेक्चर्स ना बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं अगर आप पॉलिटेक्निक कहीं से भी कर रहे हैं पूरे इंडिया में, तो फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर आप ब्रांचेस, हो सकता है कि कुछ ब्रांचेस के अंदर अप्लाइड मैकेनिक्स ना हो, बट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और क्या बोलते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इन सब के अंदर, ऑलमोस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन सब के अंदर ये अप्लाइड मैकेनिक्स मिलेगा। उसके अलावा आप बीटेक की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं लीड की, तो अप्लाइड मैकेनिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जेई स्पेशली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल तीनों में से किसी से भी कर रहे हैं, तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज हम तीन टॉपिक करेंगे। पहले हम समझेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन, फिर हम लोग समझेंगे लैमिसोरम का, लैमिसोरम क्या होता है उसका हम लोग फिर डेरिवेशन देखेंगे, और एट द एंड हम लोग तीसरी चीज जो बच्चों करने वाले हैं वो हम करेंगे जिप क्रेन क्या होता है। जिप क्रेन को हम लोग डिटेल में नहीं समझेंगे, जिप क्रेन को जस्ट डेफिनेशन समझ लेंगे, जिप क्रेन क्या होता है उसके डायग्राम के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या होता है, अब बहुत सिंपल सी बात समझो, अगर कहीं पर आप तराजू लेते हैं और तराजू के अंदर आप चीजों को रखते हैं और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बैलेंस करा, बैलेंस करके कुछ देर बाद वो बराबर आ जाएगा, वहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। एग्जैक्टली, जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, बॉडी का मोशन बिल्कुल बंद हो जाए। नेट फोर्स जीरो मतलब हर कंडीशन में, ना वो रोटेट करे ना वो इधर उधर कहीं भागे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये मार्कर है और इस मार्कर पे मैंने अगर इधर फोर्स लगाई, उतनी फोर्स इधर लगाई, तो नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो। अभी कहीं नहीं जाएगा, एटलीस्ट इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में तो नहीं जाएगा, बट क्या पता इस पे नीचे से कोई फोर्स लगे तो वाई एक्सिस में जाने लगे। तो वाई एक्सिस पे जितनी फोर्स ऊपर लगाई उतनी नीचे लगाई, या नेट फोर्स जीरो कर दी। इसके अलावा बच्चों टर्न कर सकता है ये, तो हम लोग ने अगर हम बोले कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के अंदर भी कई बार पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है बच्चों। ये जो मैंने बनाया ऐसा सिंबल, जिसको नहीं पता उनके लिए प्लीज बता रहा हूँ, इस सिंबल को बच्चों हम लोग सिग्मा कहते हैं, और सिग्मा दो सिंबल के लिए होता है, इसको भी सिग्मा कहते हैं, दोनों एंगल दोनों सिग्मा के लिए आते हैं। ठीक है, तो जो सिग्मा है, बड़ा सिग्मा छोटा सिग्मा, तो सिग्मा का मतलब होता है सम, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन जीरो। मतलब एग्जांपल के लिए एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं, कुछ फोर्स इधर लग रहे हैं, कुछ फोर्स इधर लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर सारे फोर्सेस का मैं सम कर दूं तो नेट सम कितना आ रहा है, जीरो। तो इसका मतलब ना तो वो उधर जाएगा ना इधर जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो गई। तो इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन है कि समेशन ऑफ ऑल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बिकम जीरो, कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर टू क्या आता है बच्चों, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस लग रही हैं, F1, F2, जितनी फोर्सेस लग रही हैं, उनका सम भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो F1, F2, वाई डायरेक्शन में अगर हम करें तब भी जीरो हो जाए। तो इसको इस सेकंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन बच्चों क्या है, M। M आप लोग, हम लोग जब फोर्स के बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तब मैं आपको मूवमेंट पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लो। M, M इज अ मूवमेंट। मूवमेंट इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसी फोर्स की वजह से अगर कोई बॉडी रोटेट कर जाए, मूव कर जाए, उसको बोलते हैं हम लोग मूवमेंट। तो नेट मूवमेंट जो होना चाहिए वो भी जीरो होना चाहिए। अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हैं, नेट समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन जीरो, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन जीरो, और नेट टर्निंग मूवमेंट मतलब घुमाव होता है, अभी टर्निंग मूवमेंट आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ आएगा मूवमेंट में, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि इन तीनों कंडीशन में अगर जीरो जीरो आ रहा है समेशन करने के बाद, तो बॉडी किसके अंदर है, बॉडी इक्विलिब्रियम में। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से लेमिस थ्योरम। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं लेमिस थ्योरम के बारे में। बच्चों लेमिस थ्योरम क्या बोलती है, अगर आपके पास एक पॉइंट है, ये मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तीन फोर्सेस लग रही है मेरी, पहली F1, फिर F2 और F3, F1, F2 और F3, तो होगा क्या, और मान लीजिए F1 के अलावा दो फोर्सेस कौन सी हैं, F2, F3, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो अल्फा। ठीक है, F1 के सामने वाला एंगल अल्फा, F2 के सामने वाला एंगल बीटा, F3 के सामने वाला एंगल गामा। तो क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर याद है आप लोगों को, एक ही प्लेन में जो फोर्सेस लगती हैं, एंड कंकरेंट, कंकरेंट कैसे कहते हैं, जो एक ही पॉइंट पे लगती हैं, एक ही पॉइंट से अराइज होती हैं, एक ही पॉइंट पे आती हैं, कंकरेंट फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, और बॉडी को इक्विलिब्रियम पे रखा जाए, देन ईच फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ फोर्स बिटवीन देम। इसका मतलब हर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन के एंगल के साथ, कौन से, जो उसके अलावा दो फोर्सेस बना रही हैं। अब अगर F1 लिखूंगा यहां पर मान लो, तो F1 के सामने कौन सा एंगल है, गामा, तो अल्फा, अल्फा के सामने। अगर F2 बनाऊंगा मैं यहां पर F2, तो F2 के सामने कौन सा एंगल है, बीटा, साइन बीटा।
अगर F3 बनाऊंगा मैं यहां पर, तो किस कौन सा एंगल है आपका यहां पर, गामा, साइन गामा। ये एक्चुअली लामीज ने कहा था। और लामीज थ्योरम को बच्चों अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लामीज थ्योरम में ना जो ये एक लॉ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग साइन लॉ। ठीक है, अब साइन लॉ क्या होता है बताता हूँ आपको, पहले साइन लॉ समझा देता हूँ। ठीक है, साइन लॉ बताने से पहले ये स्टेटमेंट आप लोग उतार लेना, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने इसलिए बता दी क्योंकि स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है, बट इसको प्रूफ कैसे करना है प्रूफ करा रहा हूँ। ठीक है, तो उतार, हाँ पॉज करके उतार लेना। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं लामीज थ्योरम के बारे में। बच्चों लामीज थ्योरम कब यूज करते हैं थोड़ा से समझिएगा, जब हमारे पास तीन कंकरेंट फोर्सेस दी हो या मोर देन थ्री कंकरेंट फोर्सेस दी हो, तो हम लोग लामीज थ्योरम यूज करते हैं। वैसे हम लोग जनरली जो भी आपके एग्जाम में आएगा उसमें हम लोग तीन कंकरेंट फोर्सेस के अंदर यूज करेंगे। देखिए होता क्या है, आपके पास पहले एक आपको समझना पड़ेगा इससे पहले साइन लॉ के बारे में। देखिए साइन लॉ को समझते हैं, साइन लॉ क्या होता है, साइन लॉ को समझिए। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन है, अगर कोई ट्रायंगल गिवन है और इस ट्रायंगल की तीन साइड में ले रहा हूं, मान लीजिए साइड है हमारे पास कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड, कोई भी ट्रायंगल, मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो उसमें एक राइट एंगल हो या आइसोसेलस हो, कोई भी ट्रायंगल, एक साइड एक्स, एक वाई और एक जेड। एक्स के जो सामने एंगल बनेगा, एक्स वाली साइड के सामने जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा मान लेते हैं स्मॉल एक्स, जो मतलब एक्स के सामने जो एंगल बनेगा वो बाकी दोनों साइड के बीच में होगा। वाई के जो सामने एंगल बनेगा मान लेते हैं वो है स्मॉल वाई, जेड के जो सामने एंगल बनेगा मान लेते हैं वो है स्मॉल जेड, स्मॉल जेड। अब होता क्या है, साइन लॉ ये बोलता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर आप जो साइड है उस साइड की वैल्यू रखो, उसके अपॉन में साइन के साथ जो उसके सामने वाला मतलब बाकी दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल को रखो। ये बराबर होगा किसके, वो साइड और साइड के सामने वाला एंगल यानी साइन के साथ साइन वाई। तो ऐसे क्या होगा, जेड के साथ हम जब लेंगे तो जेड के साथ ये वाला जेड आ जाएगा, तो बहुत सिंपल है, तो यहां पर आ जाएगा जेड और डिवाइडेड बाई साइन जेड। अच्छा ये एक नियम है, लॉ है, तो मैं ये कहूंगा इसको आप याद करें, दैट इज द साइन लॉ। लामीज थ्योरम में हम लोग लामीज थ्योरम क्यों यूज करते हैं बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने आज तक नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें हमने एक पैरेललोग्राम थ्योरम करी है। पैरेललोग्राम थ्योरम से या कंपोनेंट ऑफ फोर्स करके हम लोग सॉल्यूशन रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कई सारी फोर्सेस का, सिस्टम ऑफ फोर्सेस का। लेकिन अगर उसी को हम लोग लामीज, हम न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर, तो आपको दिखाऊंगा एक ही क्वेश्चन को अगर मैंने कंपोनेंट ऑफ फोर्स से करूं और उसी को मैं लामीज से करूं तो लामीज से वो दो लाइन में सॉल्व हो जाता है। ये इसका एडवांटेज है लामीज थ्योरम का। तो यहां पर समझते जरा एक बार कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास तीन कंकरेंट फोर्सेस का डेरिवेशन वगैरह सब आता है, ठीक है, मैं आपको यहां पर भी डेरिवेशन वगैरह दिखा देता हूं, बाकी आपका पास बुक होगी, बुक में इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखी होगी। प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। आपके पास तीन कंकरेंट फोर्सेस हैं, एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है, जो बुक में डायग्राम बना है वो, ठीक है। इस फोर्स को हम लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं आर। नाउ P के अलावा तो दोनों के फोर्स, दोनों के बीच एंगल बने, ये मान लेते हैं ये है अल्फा। फिर Q के अलावा, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा बेटर समझ आए, तो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये है आपका अल्फा। इसके अलावा Q के सामने जो एंगल बनेगा ये एंगल है आपका बीटा। इसके अलावा R के सामने जो एंगल बनेगा इस तरफ, सामने मतलब बाकी दोनों के बीच में, ये आपका बनेगा अल्फा बीटा गामा, ये आपका गामा, तीन एंगल हो गए। अब एक बात बताओ सिंपल, अगर इन दोनों फोर्सेस को, ये दोनों फोर्सेस ऐसे ट्राई कर रही हैं ले जाने के लिए, ऐसे ट्राई कर रही हैं, तो इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है, आर। अच्छा ये वाली फचा, ये पी और क्यू, पी और आर क्या कर रही हैं, ऐसे लेके जा रही हैं। सिंपल सी बात समझो, यहां दो फोर्सेस है मेरे पास पी और क्यू, तो पी और क्यू ऐसे ऑब्जेक्ट को लेके जा रही हैं, ऐसे ले जाना चाहती हैं, तो इनको कौन बैलेंस कर रहा है, ये नीचे खींच रहा है, आर करा भाई नीचे चलो। इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस को कौन बैलेंस कर रहा है, आर। तो अगर मैं यहां पर एक पैरेललोग्राम बना के रिजल्टेंट बनाता हूं, किसके बराबर आएगा, आर के बराबर आएगा। क्यू और आर दोनों इधर जाना चाहती हैं, इन्हें कौन बैलेंस कर रहा है, पी। तो मैं ये ऐसा कर सकता हूं, यहां पर अगर एक पैरेललोग्राम बनाऊं ऐसे करके, समझ गए ना पैरेललोग्राम कैसे बनते हैं, नहीं समझे तो प्लीज लेक्चर देख लेना ऐसे करके। और पैरेललोग्राम बनाने के बाद यहां पर जो मैं लाइन खींचूंगा, ये वाली लाइन, ये किसके बराबर आएगी, ऑब्वियस आर के बराबर आएगी, ऐसे वाली। और ये जो पैरेललोग्राम बना तो ये P है, इसके पैरेलल ये है, तो ये क्या आ जाएगा, P। तो मेरे लिए ये भी P आ जाएगा,
ये मेरे लिए आर आ जाएगा, ये मेरे लिए क्यू आ जाएगा। अब लॉजिक समझो, आपको क्या करना है, आपको पी क्यू और आर, ये जो ट्रायंगल मिला, इस वाले को मैं ओ बोल देता हूं, इस वाले पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, दिख रहा है सबको, ये ए पॉइंट है और इस वाले पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं। अब हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ओ ओ ए बी, बच्चों इस ट्रायंगल जो ओ ए बी है, बहुत डिटेल कुछ चीजें आपने टेंथ में ऑलरेडी पढ़ी, दोबारा से नहीं बतानी। इस ओ ए बी ट्रायंगल ओ ए बी, इसके आपको एंगल निकालने हैं, कौन कौन से एंगल, चलिए ठीक है एक मिनट रखिए, ये रहा, आपको ये वाला एंगल निकालना है, आपको ये वाला एंगल निकालना है जितने मैं रेड से बना रहा हूं, और ये वाला एंगल, अगर आपको रेड नहीं दिख रहा उसको मैं डबल कर देता हूं, ये जो तीन एंगल हैं जिनको मैं नाम दे देता हूं फिलहाल अपने लिए, एक बार एंगल ए, ये वाला एंगल बी, ये वाला और एंगल ओ, ठीक है। अभी हम लोग अपनी समझ के लिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल ओ बोल देते हैं, कंप्लीट ज्योमेट्री टाइप का बनेगा ये सब कुछ। अब देखो जरा, तो पहले मैं अगर एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए क्या होगा, एंगल ए होगा अगर मैं ये वाला एंगल लूं, ध्यान से देखना जरा, हाँ कलर चेंज करके बनाऊंगा, अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूं, ये वाला एंगल, तो ये और ये बराबर होंगे। अब ये एंगल कितना होगा, ढंग से देखा जरा एक बार बच्चों, ये पूरा का पूरा 180 होगा, पूरा का पूरा 180 होगा यहां से यहां तक का, तो इसको मैं लिखूं अगर 180 और माइनस कितना बीटा, भाई कैसे, देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है कंप्लीट यहां से यहां तक का, इस लीनियर पेयर में बीटा माइनस कर दूंगा तो ये क्या बचेगा 180 माइनस बीटा। अब क्योंकि ये 180 माइनस बीटा होगा इसीलिए ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा, तो एक एंगल हमारा आ गया 180 माइनस बीटा, थोड़ा ढंग से सुनना और इस वीडियो को 2-3 बार देखना ताकि जल्दी समझ आए। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल के बारे में, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, इस वाले एंगल की, तो पूरा का पूरा लीनियर पेयर यहां भी बनेगा ऐसे करके, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस अल्फा, तो को दोबारा सोचो, ये पूरा का पूरा 180 है, इसमें से अल्फा निकाल दूंगा तो ये बचेगा 180 माइनस अल्फा, तो मुझे एंगल मिल गया कितना हुआ, एंगल ओ, एंगल ओ मिल गया 180 माइनस अल्फा। अब बचता है एंगल बी, ये वाला। अच्छा अगर मैं इसको देखूं पूरे वाले को, इस पूरे वाले को, तो एक बात बताओ, जो एंगल गामा होगा, तो एंगल गामा ये वाला, ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा, इस वाले को इस वाले में ऐड कर दूं, प्लस क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। हाँ हो, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, चलो लाइव सेशन लेके समझा रहेंगे, नो इशू। तो गामा बराबर किसके हो गया, 180 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस गामा अल्फा, दोनों को, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो गामा आ जाएगा। अब बचता है ये वाला। अब बच्चों इस ट्रायंगल में अगर मैं बोलूं एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल ओ, अगर तीनों अंदर वाले एंगल जोड़ लूं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री आ जाएगा। फिर ट्रायंगल के इंटरनल सारे जो कोण होते हैं जोड़ के, सारे कितने एंगल बराबर होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। एंगल ए कितना है, एंगल ए है हमारा 180 माइनस बीटा, बहुत बढ़िया, प्लस एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी नहीं पता कितना है, प्लस एंगल बी तो निकालना है हमारा, वही तो रह गया लास्ट, प्लस एंगल ओ कितना है, एंगल ओ है हमारा 180 माइनस अल्फा, और बराबर कितना है 180 डिग्री। अब सोचो 180 माइनस अल्फा 180 माइनस बीटा, यहां से क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है यहां से, 180 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा एंगल बी, और प्लस ये इक्वेशन वन मान ले, चलो इक्वेशन वन मान ले, तो फ्रॉम इक्वेशन वन, एग्जाम में जैसे मैं कर रहा हूं वैसे भी करके आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल गामा, एक्स गामा, गामा क्यों आ गया यहां पर, गामा इसलिए आ गया क्योंकि इस गामा की वैल्यू दोनों को जोड़ के बराबर है, बराबर क्या आ गया 180। नाउ अभी हो जाएगा आपका एंगल बी, बी बराबर 180 माइनस गामा, लो भाई आपका एक एंगल बचा था वो भी निकल गया, उसको भी लिख देता हूं मैं यहां पर, तो एंगल आ गया 180 माइनस गामा। अब इस ट्रायंगल में अब क्या बोल लिखेंगे हम लोग, अप्लाई साइन लॉ, अप्लाई साइन लॉ इन कौन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी, चलो मैं अप्लाई कर देता हूं, तो पहले आर के सामने वाला एंगल, अच्छा ये एंगल कितना आ गया ये भी लिख देता हूं मैं यहां पर, ये एंगल आ गया
180 माइनस गामा जो निकाला, तीन एंगल मिल गए हमें। चलो अब मैं लिख देता हूं यहां पर, तो साइन लो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये वाली साइड मान लेते हैं, तो आर डिवाइडेड बाई आर के सामने वाला एंगल कौन सा, चलो बुक के हिसाब से लिखूं, बुक के हिसाब से ऐसा लिखा हुआ है उन्होंने, पहले पी लिया हुआ है तो पी डिवाइडेड बाई उसके सामने वाला एंगल किसके साथ, साइन के साथ, साइन 180 माइनस अल्फा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो तो पूछ लेना दोबारा, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना आज से, नहीं समझ रहे हो तो 180 माइनस अल्फा बराबर। अब इसके बाद Q, Q के सामने वाला एंगल, तो Q अपॉन सामने वाला एंगल कितना है, साइन 180 माइनस क्या, बीटा बराबर। इसके बाद क्या है, R, R के सामने वाला एंगल, तो R डिवाइडेड बाई वाला एंगल कितना, साइन 180 माइनस गामा। और मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे मैथ में आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा, बराबर रहेगा बिल्कुल। क्यों, क्योंकि साइन में से अगर 180 माइनस थीटा करते हो तो सेकंड क्वाड्रेंट आता है, इसलिए सेम रहेगा। तो अगर मैं इसमें से जो भी माइनस कर रहा हूं एज इट इज रहेगा, तो क्या आ जाएगा, पी अपॉन साइन अल्फा बराबर क्यू अपॉन साइन बीटा बराबर आर अपॉन साइन गामा। एक्चुअली आपको यही प्रूफ करना था, यह है प्रूफ ऑफ लेमिस थ्योरम, ये हो गया प्रूफ। बच्चों इसके बाद इस चैप्टर का एक फाइनल टॉपिक बचता है जिसका नाम है आपका जिब एंड जिब क्रेन, वो नहीं करेंगे तब भी चलेगा, हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट में आएंगे ये आपका प्रूफ है। आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे डायग्राम बनाना, ऐसे लिखना और पूरा एज इट इज लिख देना, बट उसमें आप एक चीज एक्स्ट्रा लिख देना है यहाँ पर, वैसे तो कुछ खास इसमें लिखने लायक बचा नहीं है, कि लेट देयर आर थ्री फोर्सेस पी क्यू एंड आर एक्ट ऑन अ पॉइंट ओ एंड हैविंग अ एंगल अल्फा बीटा गामा बिटवीन देम जैसे एज शोन इन फिगर, बस उसका फिगर बना देना, ये एडिट लिख देना यहाँ पर, ये ऐसे लिख देना, पूरा कंप्लीट एक्यूरेट है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपके सेशनल एग्जाम में भी आ सकता है। और जो बच्चे एस एस सी जेई के लिए देख रहे हैं वो इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आते हैं एस एस सी जेई या बी टेक लीड के लिए देख रहे हैं जो उसके लिए आते हैं इस पर न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल तो वैसे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में भी आते हैं, बट इस पर न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग अगले सेशन में शुरू करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको कोई भी इशू हो, मैं दोबारा समझा दूंगा क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और पूछते रहिए, बाय बाय।